हमें देखने मिला, ब्लेम गेम हो रहा है, मुझे आपके ऑटो में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ आप ही कर रही है, करता धरता आप ही है सब कुछ के पीछे, तो क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? आई थिंक लाइक एंग्री पीपल हु आर, जिनकी शादी टूट रही हो या रिलेशनशिप टूट रही हो, कुणाल और मौली जो है वो गंदे तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, और जो जितना प्यार रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करते थे अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी अनलाइक देम जैसे वो रिएक्ट करते थे. सो हमने खूब अच्छे से लड़ा नानिया शेट्टी ने. क्या कहेंगे कुणाल, हंस हंस के लड़ा एक्चुअली. ये जो जो झापड़ पड़ा उसका जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? माँ को क्या जवाब दूंगा यार, कुछ भी कहो, माँ माँ के भी चाटे का जवाब देंगे. ये क्या, माँ तो जितने चाटे मारना चाहे वो मार सकते हैं, उनको हक है, और उनसे कभी नाराजगी भी नहीं हो सकती है. वो जब भी गुस्सा हो तब वो मुझ पर हाथ उठा सकती है, और जब अगर मौली मारती तो फिर जवाब देते हैं, तब भी नहीं गलत. मैम झापड़ मारने कुणाल औरत का हाथ उठाए उधर नहीं है तो क्या किया जाएगा आगे? हाँ जी, इतना मार पड़ने के बाद भी लड़का सुधर नहीं रहा है तो क्या किया जाए? बोले अलग कर दिया ना, बोल दिया टांग दे इस पे, इस वाले पे. अच्छा कुणाल, काफी ड्रामा आज हुआ है, मतलब आपने पूरा इल्जाम लगाया और आप आज एक बार फिर नंदिनी की साइड लेते हुए नजर आए, क्या बताएंगे? सी फिलहाल जो कुणाल है वो बेनतहा प्यार करता है नंदिनी से, और वो उस साइड लॉयल रहना चाहता है. उसे रियलाइज़ हो चुका है कि वो मौली से भी प्यार नहीं करता है, तो मौली की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता. उसे पता है कि मौली के साथ उसका एक खूबसूरत पड़ाव था, लेकिन मौली उसकी मंजिल नहीं है. सो ही हैज़ टू मूव ऑन एंड इवन शी हैज़ टू मूव ऑन. लेट्स एंड दिस एमिकेबली, और इसमें कोई झगड़ा फसाद नहीं करते हैं. इससे पहले वही सीन गया, और उसी के बाद उसे ये पता लगता है कि ये नंदिनी के घर पे जाके उसने उससे खरी खोटी सुनाई है, और उसकी वजह से नंदिनी घर छोड़ के भाग गई है. तो कुणाल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें ये सब लेवल पे उतरने की क्या ज़रूरत है, तुमको जो बोलना है तुम मुझे कहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, मैंने नंदिनी से प्यार किया है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ मैंने गलत किया, लेकिन यू डोंट नीड टू गो टू हर एंड सुनाओ हर एंड व्हाई यू गेटिंग मेकिंग इट अगली एंड एवरीथिंग. सो दिस इज लाइक आई थिंक इट्स अ फेज इन द रिलेशनशिप व्हिच हैज गॉन रियली अगली. दे आर नॉट बैड पीपल, मी एंड शक्ति वी वर डिस्कसिंग दैट दैट दे आर नॉट बैड पीपल, बट सिचुएशन इतनी अगली हो गई है कि मतलब दे आर शोइंग द वर्स्ट साइड्स टू ईच अदर, लाइक गंदे से बात कर रहे हैं. मैम आपके कहने मतलब जितना आप सुधारने की कोशिश कर रही है स्थिति बट दिन बर दिन और बिगड़ती जा रही है. हाँ, जब एक बार ये इस तरह की दरार आ गई होती है उसके बाद और दोनों को रियलाइज हो जाता है और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना नहीं चाहता है कोई, तो फिर स्थिति तो और भी बिगड़ेगी. तो ज़बरदस्ती किसी को बांध के रखने से वो बंधने वाला नहीं है, ये आप भी समझते हो हम भी समझते हैं, लेकिन बड़े हो के होने के नाते जो कोशिशात कर सकते हैं वो कोशिश तो करनी पड़ेगी कि हो सकता है शायद वापस हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है. अच्छा लास्टली आपसे जानना चाहूँगी, एक बॉम्ब जो अभी तक आपके ऊपर फूटा नहीं है, बट उसके ऊपर रिएक्शन हम जानना चाहेंगे. आपके ऊपर नहीं रिएक्शन वाला. जब मेरे पे रिएक्शन फटा ही नहीं तो मैं क्या रिएक्शन, इसको नहीं बताते, इसको नहीं बताते. जब पता चलेगा क्या नहीं बताओगे मुझे, क्या क्या नहीं बताओगे बताओ. कुणाल शुड नॉट नो अबाउट इट. व्हाट व्हाट, प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो. लुक एट हिम, यार वो तो राइटर्स के ऊपर है, जो बोलेंगे हम कर लेंगे. वी आर एम्प्लॉइज. नो नो, ही सेड क्या क्या क्या, बस ट्रॉली चार्ज होगा, बुलेट चार्ज होगा, लेफ्ट राइट पैन होगा. नहीं आज जो किया ना दित्ता, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था दित्ता बच्चा. वाली तुम्हें मुझे बता देना कैसे होगा, मुझे बता देना चाहिए था ये करो. ओ माय गॉड, माय बेबी, माय बेबी, हाउ कैन बी इट इज, हाउ कैन, हाउ इट्स पॉसिबल दैट इट्स माय बेबी, आई एम अ बेबी मायसेल्फ. चलिए, थैंक यू सो मच.